वेलकम स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर जनरली स्टूडेंट्स के लिए एक फियर फैक्टर रहता है. सो बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर को समझना स्टार्ट करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर 8085 और 8086 ये दोनों प्रोसेसर्स बेस कहे जाते हैं किसी भी स्टार्टिंग जनरेशंस के लिए. सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो मीन्स 10^-6 एंड प्रोसेसर मीन्स द थिंग विच इज़ गोइंग टू कंप्यूट द वेरियस टास्क. सो माइक्रो प्रोसेसर नाम वहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि ये एक चिप है दैट कंटेन्स द कंट्रोल एंड लॉजिकल सर्किट्स, और ये चिप कैपेबल है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डिसीजंस को करने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज द माइक्रो एंड प्रोसेसर. दिस चिप इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू फंक्शन एज द CPU ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. नाउ देर आर थ्री डिफरेंट टर्म्स: माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर. इन तीनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. माइक्रो प्रोसेसर क्या है? दिस वन, दिस इज़ अ CPU और अ चिप विच इज़ एक्चुअली डूइंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस एज वेल एज टेकिंग द डिसीजंस. अब इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में हमारा ब्रेन काम करता है. सो CPU और द माइक्रो प्रोसेसर इज़ एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. अब खाली ब्रेन अगर हम कहें तो खाली ब्रेन तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. उसके लिए हमें कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की नीड है. यानी पेरिफेरल डिवाइसेस मींस द हैंड, द लेग एट्सेट्रा एज अ ह्यूमन बॉडी. सो यहाँ पर प्रोसेसर के साथ वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. जब आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट IO मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर देंगे, और साथ में बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर में जो भी काम होगा उसको कहीं ना कहीं मेमोराइज किया जाना पड़ता है. सो उसके लिए वी नीड अ मेमोरी. मेमोरी मे बी ऑफ रैम टाइप और रोम टाइप, दैट वी विल एक्सप्लेन लेटर. अब इस एरो पे अगर आप ध्यान दें तो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल एरो. मीन्स कोई भी डेटा जो मेमोरी से प्रोसेसर में जा रहा है वो प्रोसेसर से मेमोरी में भी वापस आ सकता है. इफ़ द एरो इज़ अ यूनिडायरेक्शनल मींस फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर से आई जस्ट ड्रॉ अ एरो टुवर्ड्स आउटपुट डिवाइस, राइट. सो दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल एरो दैट सेज दैट प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कमांड देगा. आउटपुट डिवाइस से कोई भी कमांड प्रोसेसर के पास वापस नहीं आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता तो ये एरो हमारा कुछ इस तरह का होता. इनपुट डिवाइस यानी का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को के पास सिग्नल लेकर आ रहा है, और आउटपुट डिवाइस में प्रोसेसर सिग्नल दे रहा है. दिस आउटपुट डिवाइस मे बी अ मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर, राइट. सो द बेसिक ब्लॉक डायग्राम इज वेरी मच क्लियर. माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, दीज थ्री थिंग्स वी नीड टू इंटरफेस. अब जब भी आप ये तीन चीज़ें आपस में मिलाएंगी तो जो एक नया इंटरफेस प्रोड्यूस हुआ, मींस द MIUI प्लस द IO प्लस द मेमोरी, इस पूरे डिवाइस को नाम दिया गया है एक कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का, राइट. सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विद द बस आर्किटेक्चर, अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो MIUI को आप इस तरह से बाइफर्केट करेंगे. इनसाइड द MIUI व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग, वी आर हैविंग द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज़ ALU विच इज़ डूइंग द कैलकुलेशंस, यानी अर्थमेटिक पार्ट प्लस द लॉजिकल पार्ट. इट मीन्स द एंड और नॉर एट्सेट्रा. देन आफ्टर वी नीड अ रजिस्टर एरे. दीज रजिस्टर एरेज आर एक्चुअली यूज बाई द CPU फॉर द टेम्परेरी पर्पज टू स्टोर द डेटा. थर्ड वन इज़ द कंट्रोल यूनिट.
to control the overall functioning of the CPU, we need a control unit. For example, which command is coming, how we are going to decode that command, what is the timing size, how much the delay size, etc. So we need a control unit, and microprocessor contains all these three things inside, right? Then after the memory, memory is here, it can be divided into RAM or the ROM. Then after the IO, that is the input device in which the arrow is coming inside towards the microprocessor, and the output device from which the microprocessor is actually giving the data to the output device. And all these are getting connected through a bus. Bus, what is bus? Bus is actually a group of wires. Means, for example, I have one wire, right? And if I am talking towards the binary, binary contains only the 0 or 1, right? So if this wire is having logical 1, so single bit I am traveling onto a wire, right? If I am saying that my microprocessor is of 8 bit wide, right? Microprocessor data size is of 8 bit wide, then how many wires I need? Yes, I need a total of 8 wires, right? And all wires getting one type of data. For example, my data is 10101100. Then this 8 bit data is actually going onto every single line of the wire, right? And this combination of 8 wires is named as a 8 bit bus. Okay, got you my point? So this is the basic part of the microprocessor. Let us move further. बहुत सारे स्टूडेंट्स बाइनरी लॉजिक्स में कंफ्यूज होते हैं. बाइनरी लॉजिक्स में एक चीज़ आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने अभी 0 और 1 लिखा है, इस 0 1 से आप क्या समझते हैं? इज़ इट अ नंबर? क्या लाइन पर 1 नाम का कोई नंबर जा रहा है या 0 नाम का कोई नंबर जा रहा है? प्लीज़ स्पीक आउट. You can do the comments also. अगर 1 या 0 नाम का नंबर जा रहा है तो खाली हम बाइनरी की ही बात क्यों करें? ये नंबर 2, 3, 4 etc. कुछ भी हो सकता था. Then why we are just taking the two numbers, that is 0 और 1? 0 और 1 ये हम अपने अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे. ये आपको ढूंढ के रखना है कि बाइनरी सिर्फ 0 या 1 में क्यों डील करती है, क्या मतलब है 0 और 1 से, राइट? सो अभी तक हमने स्टडी किया था माइक्रोप्रोसेसर विच इज़ एक्चुअली द CPU एंड द माइक्रो कंट्रोलर विच इज़ हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स. वन इज CPU, सेकेंड इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंड द थर्ड इज मेमरी. ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली द माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर कहता है इफ आई एम हैविंग अ चिप and that chip itself contains all the things. All the things means उस चिप के अंदर माइक्रोप्रोसेसर भी है, उस चिप के अंदर कुछ ओपन पोर्ट्स भी हैं जहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकूँ, उस चिप के अंदर मेमोरी भी है, उस चिप के अंदर सीरियल पोर्ट्स भी हैं, इंटरप्ट्स भी हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स दैट चिप कंटेन्स. सो दैट चिप इज एक्चुअली नेम्ड एज द माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ It is a type of microcomputer with the memory and the IO integrated into one chip. आपको अलग से कुछ भी अटैच नहीं करना है. आपके पास एक छोटी सी चिप होगी, एक मॉड्यूल होगा, और उस चिप में आप सिंपली उस चिप के अंदर ही सब कुछ इनबिल्ट होगा. सो वो कंप्लीट वन पैकेज इज नेम्ड एज द माइक्रो कंट्रोलर, राइट? So let us have a difference between the microprocessor and the microcontroller. So microprocessor we can conclude as only a CPU, right? And the microcontroller, it is a complete computer, mini computer we can say.
The microprocessor, RAM, ROM, IO ports are provided externally. आपको अलग से अटैच करना होगा, right? जबकि माइक्रोकंट्रोलर में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट दी हुई होती हैं. माइक्रोप्रोसेसर इज़ ए जनरल पर्पज़ यूज़. अब यहाँ पे अभी तक शुरू के दो पॉइंट्स में आपको माइक्रोकंट्रोलर ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, राइट? ये माइक्रोकंट्रोलर यूज़ कहाँ होता है? ये माइक्रोकंट्रोलर एक्चुअली एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं. मुझे जितनी मेमोरी की नीड है उतने ही मेमोरी का या उतने ही आईओ पोर्ट्स का कंट्रोलर मैं यूज़ करूँगी, राइट? आपके अगर हाउस होल्ड एप्लीकेशंस की बात करें, जो एसी का रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर भी एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है. क्यों कंट्रोलर, वाई नॉट प्रोसेसर? प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, क्योंकि ये एक जनरल पर्पस प्रोसेसर है. इसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन सर्फिंग कर सकते हैं. जबकि कंट्रोलर्स जो होंगे, कंट्रोलर्स से बनी हुई चीज़ कहलाती है एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट? अगर मैं एसी के रिमोट की बात करूं, तो एसी के रिमोट के थ्रू आप टीवी ऑन नहीं कर सकते, उससे सिर्फ आप एसी के ही फंक्शनिंग सेट कर पाएंगे. सो दिस इज़ एप्लीकेशन स्पेसिफिक. फोर्थ पॉइंट कहता है अटैच्ड मेमोरी इज़ फ्लेक्सिबल अप टू एनी कैपेसिटी, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी वी इनकॉर्पोरेट, राइट? The next point is your processor is actually the costly and bulky while the controller is actually the cheap and take less space. So controller में आपको जितना requirement है उतने ही specific memory का controller use किया जाएगा, in spite of just having a lot of costly product, right? Some specific terms. ये वो terms हैं जो generally हम microprocessors में use करने वाले हैं और बहुत कॉमनली यूज़ की जाएंगी. सो बिट, बिट मीन्स बी स्टैंड्स फॉर द बाइनरी, आई टी स्टैंड्स फॉर द डिजिट. इट इज़ अ एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट एंड स्टैंड्स फॉर द बी आई टी, दैट इज बिट. बिट क्या है? एक सिंगल जीरो या एक सिंगल वन इज नेम्ड एज अ बिट. अगर मैं कुछ बिट्स को इकट्ठा करके मिलाकर एक स्पेसिफिक वर्ड प्रोड्यूस करूं, तो उसको हम वर्ड कहेंगे, यानी नंबर ऑफ बिट्स टेकन इन अ ग्रुप, राइट? अगर वो नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं, यानी इट इज़ अ 8 बिट ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट इज़ नेम्ड एज अ बाइट. अगर नंबर ऑफ बिट्स 4 हैं, दैट इज़ नेम्ड एज अ निबल. ये दो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं, राइट? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज़ एक्चुअली एबल टू डू मल्टीपल फंक्शंस. हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शंस इट कैन डू? इट कैन डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इट कैन टेक आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेटा, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेटा, लॉजिकल एंडिंग ऑरिंग, ऑल द लॉजिकल फंक्शंस इट कैन परफॉर्म. इट कैन, इट इज़ एबल टू शिफ्ट और रोटेट योर स्पेसिफिक डेटा एंड डूइंग द कंपेरिजन ऑफ टू एन बिट वर्ड्स. एन मीन्स एनी, फॉर एग्जाम्पल टू 8-bit वर्ड्स कंपेरिजन, विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर, राइट? नेक्स्ट वन इज सी यू. सी यू स्टैंड्स फॉर द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर? सी यू इज़ एबल टू रीड द कंटेंट ऑफ द आई आर. आई आर इज सेइंग द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी टेबल पे रखा हुआ पेन उठाएं, अब इसको समझें, बाइफर्केट करें जरा इसको, कि आपको एक कमांड मिली कि टेबल पे रखा हुआ पेन उठाओ, तो वो कमांड सबसे पहले कहाँ गई? दैट कमांड एक्चुअली जस्ट वेंट आउट इनटू योर ब्रेन. किसके थ्रू गई? थ्रू योर ईयर्स. सो ईयर्स आर एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑफ इनपुट डिवाइस. ब्रेन इज एक्चुअली हैविंग दैट कमांड और उस कमांड को आपके ब्रेन ने डिकोड किया है. आप हिंदी और इंग्लिश समझते हैं, अगर यही कमांड मैंने आपको किसी और लैंग्वेज में दी होती, तो ब्रेन इज अनेबल टू डिकोड दैट कमांड. इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन के पास अपना एक डिक्शनरी है. जो कमांड आपके पास आई, उसने अपनी डिक्शनरी के वर्ड से उस कमांड को मैच किया और उसको डिकोड किया कि एक्चुअली क्या कहा गया, कि पेन को उठाना है, राइट?
सिमिलर फंक्शनिंग अकर्स इन द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में आप पहले कोई भी कमांड देंगे थ्रू द डेटा बस, उस कमांड को माइक्रोप्रोसेसर अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो उसी कमांड को इंस्ट्रक्शन डिकोडर में देगा कि क्या वो कमांड सही है, क्या माइक्रोप्रोसेसर उसका मतलब समझता है। अगर वो कमांड डिकोड हो जाती है तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फंक्शनिंग स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। योर कंट्रोल यूनिट रीड्स द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन बाई जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ द एनेबल सिग्नल्स। यानी क्या काम होना है, जब ये डिकोड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग रीड का काम होना है तो कंट्रोल यूनिट रीडिंग सिग्नल जनरेट करेगा, राइट का काम होना है तो राइटिंग सिग्नल जनरेट करेगा एट्सेट्रा। कंट्रोल यूनिट डिजाइनिंग टेक्निक्स अलग अलग तरह की हैं। कंट्रोल यूनिट आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल भी हो सकता है। पहले ज़ाइलॉग कॉर्पोरेशन के प्रोसेसर्स आते थे, Z8000 इज़ अ टाइप ऑफ दैट प्रोसेसर। माइक्रो प्रोग्रामिंग बेस्ड भी हो सकता है, योर 8086 इज़ अ माइक्रो प्रोग्रामिंग बेस्ड CU। एंड नैनो प्रोग्रामिंग बेस्ड हो सकता है, ये जो 68 सीरीज़ दिख रही है आपको, 68000, 68020, दिस सीरीज़ इज़ एक्चुअली ऑफ द मोटोरोला सीरीज़। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर, दिस इज़ अ मोटोरोला सीरीज़। ओके, जेड स्टैंड्स फॉर द ज़ाइलॉग कॉर्पोरेशन सीरीज एंड 80 स्टैंड्स फॉर द इंटेल कॉर्पोरेशन सीरीज, राइट। सो इस तरह से आप इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड गेट इट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कि ये जो हमने बाइनरी पढ़ा था 0 और 1, इस 0 1 का एक्चुअली क्या मतलब है, इज इट अ नंबर, अगर ये नंबर है तो 2 या 3 लाइन पर क्यों नहीं आता, और आपका जो मशीन है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है 0 और 1 को। सो गेट इट रेडी विद योर स्पेसिफिक कमेंट्स। थैंक यू।